What the tech is going on friends, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और जिस फोन को लेके हम सभी को बहुत ही ज्यादा इंतजार था यानी कि Xiaomi का Mi A2, वो फोन आज फाइनली लॉन्च हो चुका है यूरोपियन मार्केट में अलॉन्ग विद Mi A2 Lite। लेकिन मैं Mi A2 Lite को लेके बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि Mi A2 Lite मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में आएगा ही नहीं, लेकिन उस फोन को लेके हम लोग बात करने वाले हैं जिसको लेके हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे यानी कि Mi A2 Lite। और दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्यों इस फोन ने मुझे निराश किया है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि स्क्रीन के ऊपर आप एक एनिमेशन देख सकते हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना, बेल आइकॉन प्रेस करना, तो अगर यह आप करेंगे ना तो आपको रोज मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मैंने सेल्फ प्रमोशन कर लिया, अब आपकी बारी। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं जिसको लेके बात करने वाला हूँ यानी कि इसके स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले जो बिगेस्ट चेंज है Mi A1 से वो है इसका स्क्रीन, ऑब्वियसली बिकॉज इस फोन में आपको मिलता है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले अलॉन्ग विथ 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि इस फोन में आपको कोई भी नॉच नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, कुछ लोगों के लिए ये बुरी बात है, आई डोंट पर्सनली केयर अबाउट इट। अब दोस्तों अगर हम लोग इसके रियर साइड के बारे में बात करें देन बहुत ही सिमिलर टू Redmi Note 5 Pro है। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है, इवन डुअल वर्टिकल रियर कैमरा सेटअप वो भी सेम है। लेकिन यहाँ पर जो आपको कैमरा सेटअप मिल रहा है वो है 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का और जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 20 मेगापिक्सल का। और यहाँ पर दोनों ही कैमरा f1.75 एपर्चर पे सेट किया गया है यानी कि आपको यहाँ पर बेहतर लो लाइट फोटोग्राफी मिलने वाली है। लेकिन उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो सेकेंडरी कैमरा है वो सिर्फ डेप्थ सेंसिंग के लिए ही यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको पिक्सल बाइंडिंग का टेक्नोलॉजी मिलेगा यानी कि 4 पिक्सल अलग से कॉम्बाइंड होंगे। एज अ रिजल्ट यू विल गेट अ ब्राइटर एंड शार्पर इमेज इन द लो लाइट सिचुएशंस। अब दोस्तों हम लोग अगर इसके फ्रंट के बारे में बात करें देन फ्रंट में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद AI फीचर्स, यानी कि अगर आप आपको गोरा बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं फेस वेस एकदम चमका दे पाएंगे। और दोस्तों फ्रंट में भी आपको एक LED सेल्फी फ्लैश दिया गया है यानी कि आपको अंधेरे में भी सेल्फी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों अगर हम लोग इसके बाकी स्पेक्स यानी कि इंटरनल स्पेक्स के बारे में बात करें देन इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, जो कि सेम प्रोसेसर है जो कि आपको मिलता है नोकिया 7 प्लस में। तो प्रोसेसर में जरूर से एक इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हमको मिल रही है। अगर हम लोग इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात करें देन आपको यहाँ पर मिल रहा है फेस अनलॉक और जो टिपिकल Xiaomi के जो फीचर्स होते हैं वो सब नहीं मिलेंगे बिकॉज इस फोन में आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड यानी कि नियर टू प्योर एंड्रॉयड। यहाँ पर आपको डेली फास्टर अपग्रेड्स मिलते रहेंगे, हालांकि Xiaomi Mi A1 में बहुत सारे अपडेट्स के प्रॉब्लम आए थे, बट देखते हैं Xiaomi आगे क्या करता है। अब जैसे यहाँ पर जो फोन है वो तीन अलग अलग वेरियंट में आएगा, एक है 4GB RAM 32GB ROM, दूसरा है 4GB RAM 64GB ROM और तीसरा है 6GB RAM and 128GB ROM। अब जैसे ये तो सारे बहुत ही अच्छे फीचर्स थे, अब मैं बुरे फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो बुरा फीचर है वो है इसकी बैटरी, और इसमें आपको मिलता है सिर्फ 3010 mAh की बैटरी। चाहे कितना भी अच्छा इसका ऑप्टिमाइजेशन क्यों ना हो, ये बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पाएगा एक दिन के यूजर्स के लिए, तो बैटरी बहुत ही कम पड़ने वाली है। हालांकि इसमें आपको क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन फोन के साथ आपको कोई भी क्विक चार्जर दिया नहीं गया है। दूसरे दोस्तों अगर मैं कौन के बारे में बात करूं देन इस फोन में आपको कोई भी 3.5mm जैक नहीं मिल रहा है, यानी कि आप अपने प्यारे ईयरफोन्स हेडफोन्स इसमें कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट करना होगा। और अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना लिए, आप जाके देख लेना। अब दोस्तों अगर मैं इसके और एक कॉन के बारे में बात करूं देन ये है इसका SD कार्ड स्लॉट, बिकॉज इसमें आपको कोई भी SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलता है। मुझे नहीं पता Xiaomi ने क्यों ऐसा किया, ये बहुत ही मुझे लगता है एक बुरा डिसीजन है। डुअल सिम है लेकिन आप यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल SD कार्ड यहाँ पर आप प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो ये थे इसके तीन कॉन्स। फोन डेफिनेटली एक इम्प्रूव्ड फोन है, लेकिन बैटरी, 3.5mm जैक ना रहना, SD कार्ड स्लॉट ना रहना, दोस्तों ये जरूर से कॉन है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए डेफिनेटली कॉन है। हालांकि अगर फोन मुझे मिलता है देन डेफिनेटली मैं इसका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में और कभी इंडिया में आएगा, है ना। तो दोस्तों 27 जुलाई को ये स्पेन में आने वाला है यानी कि 3 दिन बाद, और मुझे जो लगता है कि नेक्स्ट मंथ ही ये इंडिया में आ जाएगा। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करूं देन यूरोपियन मार्केट में दोस्तों जो बेसिक वेरिएंट है उसका कीमत रखा गया है 20,000 रुपीज़, थोड़ा सा ऊपर जो 4GB RAM 64GB वेरिएंट है उसकी कीमत रखी गई है 23,000 रुपीज़, और जो 6GB RAM वेरिएंट है उसकी कीमत रखी गई है 28,000 रुपीज़। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो ये ओवर प्राइज्ड है, हालांकि यूरोपियन प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन
इंडिया में तो लोग 15,000 से ज़्यादा खर्च नहीं करते, एटलीस्ट मैं नहीं करता। तो मुझे जो लगता है कि Xiaomi को 32GB वाला जो वेरिएंट है वो इंडिया में नहीं लाना चाहिए, वो लोग उन लोगों को डायरेक्टली 64GB वेरिएंट लाना चाहिए। उसकी प्राइसिंग मैक्सिमम 20,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और जो 6GB रैम वेरिएंट है उसकी कीमत होनी चाहिए 23,000 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है इसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, आप ज़रूर से नीचे कॉमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, या आपकी मर्ज़ी है नीला हो जाता है बटन। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड पीस।